हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मोड के द्वारा RHEL 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया डेट एंड टाइम वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज सपोर्ट, इंस्टॉलेशन सोर्स और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 3 पार्टीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। वो होता है रूट पार्टीशन, बूट पार्टीशन एंड स्वैप पार्टीशन। रूट पार्टीशन जो है वो सिस्टम पार्टीशन होता है, जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है। बूट पार्टीशन में बूटिंग फाइल सेव होती है और स्वैप पार्टीशन एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज किया जाता है। तो इन तीनों पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए आप इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपने इस वर्चुअल मशीन के अंदर टोटल कितने स्पेस की हार्ड डिस्क यूज की हुई है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट चेक मार्क जो होता है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन पर होता है, कि मशीन जो है ऑटोमेटिक ही तीनों पार्टीशन क्रिएट कर देगी, रूट बूट स्वैप, आपकी कंप्लीट हार्ड डिस्क का स्पेस यूटिलाइज करके। लेकिन अगर आप उन्हीं तीनों पार्टीशंस को मैन्युअली क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां पर चेक मार्क कीजिए आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन, देन डन पर क्लिक कीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आएगा LVM, इसको जस्ट ड्रॉप कीजिए और यहां से सिलेक्ट कीजिएगा स्टैंडर्ड पार्टीशन। और यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास में टोटल कितना स्पेस है हार्ड डिस्क के अंदर और अवेलेबल कितना है। तो नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आप प्लस पर क्लिक कीजिएगा। प्लस पर क्लिक करते ही यहाँ पर माउंट पॉइंट से आप ड्रॉप कीजिएगा और रूट पार्टीशन के आइकन को सिलेक्ट कीजिएगा। देन आप कितने साइज का रूट पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर देता हूँ 10,000 MB और एड माउंट पॉइंट पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप एड माउंट पॉइंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं SDA1 के नाम से आपका रूट पार्टीशन क्रिएट हो गया है, जिसका टोटल साइज है 10 GB। यहाँ से भी आप देख सकते हैं नेम है SDA1, माउंट पॉइंट है रूट, डिजायर कैपेसिटी है 10 GB, डिवाइस टाइप स्टैंडर्ड पार्टीशन और फाइल सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है RHEL 7 के अंदर बाय डिफॉल्ट XFS। चाहे तो आप यहाँ से इसको ड्रॉप करके EXT4, 3.2, स्वैप, जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल स्पेस हमारे पास अभी भी वही है, लेकिन अवेलेबल कितना है। अब हम लोग यहां पर सेकंड पार्टीशन क्रिएट करेंगे, दैट इज बूट। उसके लिए आप प्लस पर ही क्लिक कीजिएगा, माउंट पॉइंट को ड्रॉप कीजिए बूट। और बूट पार्टीशन जो है वो स्पेशली यूज किया जाता है बूटिंग फाइल को सेव करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास 200 MB ही काफी रहेगा। तो एड माउंट पॉइंट पर क्लिक कीजिए, देख सकते हैं बूट पार्टीशन भी। अब थर्ड पार्टीशन क्रिएट करते हैं, प्लस पर क्लिक कीजिएगा और एड माउंट पॉइंट से ही स्वैप सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, रेडिट रिकमेंड करता है कि जितने भी आपकी मशीन के अंदर रैम लगी हुई है उससे जस्ट डबल
आप स्वैप पार्टीशन क्रिएट कीजिए। जैसे कि मैंने इस वर्चुअल मशीन के अंदर 1 GB रैम यूज की हुई है, तो मैं यहाँ पर 2 GB का यानी कि 2000 MB का स्वैप पार्टीशन क्रिएट करता हूँ। एड माउंट पॉइंट पर क्लिक कीजिए। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट बूट स्वैप, इन्हीं 3 पार्टीशंस की रिक्वायरमेंट होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, और जो कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर डन पर क्लिक कीजिएगा। डन पर क्लिक करते ही ये कुछ ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर फॉर्मेट होने के लिए, क्रिएट होने के लिए, और आप एक्सेप्ट चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट चेंजेस पर क्लिक करते हैं, आपकी मशीन के अंदर रूट बूट स्वैप तीनों पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेटवर्क एंड होस्ट नेम को भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए बाय डिफॉल्ट जो है हमारा लैन कार्ड जो होता है वर्चुअल मशीन के अंदर, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स की वर्चुअल मशीन के अंदर ENP0S3 के नाम से फर्स्ट लैन कार्ड डिस्प्ले होता है, जो कि अभी आप देख सकते हैं डिसकनेक्टेड कंडीशन में है। चाहे तो आप यहीं से इसको ऑन करके इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कनेक्टेड ऑप्शन आ गया है, और हमारी हमारे लैन कार्ड का मैक एड्रेस क्या है, हार्डवेयर एड्रेस, या आप यहां से देख सकते हैं लैन कार्ड की स्पीड, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट रूट और डीएनएस वगैरह की इंफॉर्मेशन आप यहां से चेक कर सकते हैं। के साथ साथ दोस्तों चाहे तो आप इस इन आईपी एड्रेसेस को आप मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए यहां पर कॉन्फ़िगर पर क्लिक कीजिएगा। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करते ही यहां से दोस्तों आप लोग अपने लैन कार्ड का नेम भी चेंज कर सकते हो, के साथ साथ मैक एड्रेस वगैरह भी यहां से आप देख सकते हो, और आईपी वर्जन 4 सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है ऑटोमेटिक डीएचसीपी होता है, इसको आप ड्रॉप कीजिए। आप मैनुअली असाइन करने के लिए मैनुअल को सिलेक्ट कीजिएगा, और जो भी आप आईपी एड्रेस मैनुअली असाइन करना चाहते हैं ऐड पर क्लिक कीजिए, और यहां से आप आईपी एड्रेस, नेट मास्क, गेटवे वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको यहां से कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मैं अभी यहां से आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता हूं। वो इंस्टॉलेशन के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मशीन को हम लोग आईपी कैसे असाइन करते हैं, तो इसको अगेन मैं यहां से डिसकनेक्ट कर देता हूं। ये आप यहां से देख सकते हैं। के साथ साथ दोस्तों आप यहां से अपनी मशीन का होस्ट नेम यानी कि कंप्यूटर नेम भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारी मशीन का डिफॉल्ट नेम जो होता है वो लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, और चाहे तो आप यहीं से ही होस्ट नेम को चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं ना तो लैन कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा हूँ, ना ही होस्ट नेम को चेंज कर रहा हूँ। इन्हें चेंज करना, मॉडिफाई करना हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए मैं बस यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ, और ये सभी चेंजेस आप प्रॉपर सेट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बिगिन इंस्टॉलेशन पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू हो चुकी है, पार्टीशंस वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, फॉर्मेट वगैरह हो रहे हैं, और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो। मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग एक रूट यूज़र क्रिएट करते हैं, वैसे वो हम लोग मैन्युअली क्रिएट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। तो जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें रूट नाम का यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है, जिसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए फुल परमिशन होती है। तो यहाँ से हम लोग रूट यूज़र का पासवर्ड सेट करेंगे। इस पर क्लिक कीजिए, रूट पासवर्ड सेट कीजिएगा जरा, और उस पासवर्ड को रीटाइप कीजिएगा यहां पर, यानी कि कंफर्म कीजिएगा। डन पर क्लिक कीजिए, रूट पासवर्ड इज सेट, ये आप देख सकते हैं। और चाहे तो आप यहीं से एक अनदर यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आप यूजर का फुल नेम प्रोवाइड कीजिए, देन यूजर नेम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर आप चाहते कि ये यूजर भी
एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम करे, यानी कि एज अ रूट यूज किया जाए, तो आप यहां पर चेक मार्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये यूजर एक नॉर्मल यूजर की तरह बिहेव करे, तो इसको अनचेक कर देना। देन रिक्वायर अ पासवर्ड टू यूज दिस अकाउंट, तो यहां पर हम लोग इस यूजर के लिए लॉग ऑन पासवर्ड डिसाइड करेंगे, देन उस पासवर्ड को हम लोग कंफर्म करेंगे, देन डन पर क्लिक कर दीजिए। यहां से आप देख सकते हैं रूट का पासवर्ड भी सेट हो चुका है और यूजर प्रीत विल बी क्रिएटेड। ठीक है दोस्तों, आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोग इस चीज को चेक करेंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, जब भी हम लोग सर्वर विद जीयूआई इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करते हैं, तो वहां पर मशीन के अंदर टोटल 1189 पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। या आप यहां पर देख सकते हैं, जिनमें से अराउंड 49 पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो दोस्तों, जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, यानी कि पैकेजेस सभी इंस्टॉल होते हैं, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।